हेलो, मैं डॉक्टर यशी शर्मा। सबसे पहले मैं अर्चना मैडम को, कैलाश मैडम को और WPS को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने एक नई शुरुआत की है, एक नई पहल की है, वो भी ऐसे समय पे जब हम सभी अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए। क्योंकि सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, कुछ हुनर होता है। जरूरत होती है एक मंच की, कि उन्हें एक मंच मिले जिस पर वो अपना ये हुनर दिखा सके। तो अर्चना मैडम ने इतना अच्छा मंच दिया है कि बच्चों ने इतने अच्छे टास्क दिए हैं कि एक्चुअली हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि हम किस बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड करें। पर किसी ना किसी को तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करना था। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे विनर नहीं है उन्होंने अच्छा नहीं करा, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी कि आगे भविष्य में कभी भी ऐसा मौका मिले तो आप लोग जरूर आगे आइए और अपना हुनर दिखाइए। अर्चना मैडम को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐसे प्रोग्राम समय समय पर करवाते रहें ताकि बच्चे आगे आ सके। बाकी जो रिजल्ट है वो हमारा सब आपसी सहमति से तैयार हुआ है। ये रिजल्ट आपको मुदिता मैडम डिक्लेयर कर देंगी। मैं ये बोलूंगी सबको कि सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे आइए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर अमीशा मनोज व्यास। सबसे पहले तो मैं WPS सोसाइटी को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, सो बीइंग वन ऑफ द जजेस। एंड सेकेंड थिंग, मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग। आप जीते हैं या नहीं जीते हैं ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपने पार्टिसिपेट किया, इतना अच्छा परफॉर्म करा, इतना एफर्ट लगाया इस चीज़ के लिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और वो भी एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, जब आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू, ताकि आप कुछ कर सकें। बिकॉज अभी करंटली अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द चिल्ड्रंस कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड कि विनर कौन होगा, बट आई सीरियसली से कि सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। मैं डॉक्टर मुदिता पोगली, प्रिंसिपल माँ करनी बीएड कॉलेज नाल। WPS सोसाइटी द्वारा करवाए गए लेबर डे मजदूर दिवस पर जो आपको टास्क दी गई थी, जिसमें आपको स्लोगन राइटिंग, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से अपनी बात को कहना था, उसके परिणामों के साथ आज यहाँ आपके पास आई हूँ। मैं सबसे पहले तो मैडम का, अर्चना जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी जिन्होंने इस तरह के नवीन कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज कोरोना के इस युग में जब स्टडीज़ ऑनलाइन चल रही हैं, बच्चे स्कूलों से दूर घरों में बैठे हैं, तो बहुत अधिक आवश्यकता है कि बच्चों को फिजिकली जो टास्क हो रहे हैं उनसे जुड़ा जा सके। इसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनकी सहभागिता को बढ़ाया जाए, और बहुत सदप्रयास जो है वो मैडम ने शुरू किया है। और उसी के जो पहला कंपटीशन उन्होंने रखा, जिसमें मैं और मेरी कई साथीगण जज के रूप में थे, तो उनके प्रतियोगिता के परिणामों के लिए मैं आज आपके पास यहाँ आई हूँ। बेटा, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करना वो महत्ता नहीं रखता, जो उस प्रतियोगिता में भाग लेना महत्ता रखता है। अपना पार्टिसिपेशन मस्ट है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। हो सकता है कोई बोलता बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि कोई ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो किसी के अंदर कोई और हुनर है। हो सकता है आप इस प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आए हो, लेकिन आपने भाग लिया है, इसलिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन प्रतियोगिता का रूल होता है किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड करना ज़रूरी है, कोई रनर अप ज़रूर रहता है, तो इसलिए प्रतियोगिता के परिणाम सुनाना आवश्यक है। लेकिन इन परिणामों से ये आकलन मत कीजिएगा कि मैं अच्छा नहीं करती या मैं अच्छा नहीं करता। इससे डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। आपने भाग लिया, इसके लिए सभी बच्चों के लिए आप जहाँ पर भी बैठे हैं एक बार ज़ोरदार ताली दूसरे के लिए बजा दीजिए कि जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। तो अब मैं पहले आपको परिणाम सुना देती हूँ। मुझे 120 बच्चों की लिस्ट भेजी थी जो आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसमें से लगभग 30 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है।
परंतु जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया उन्होंने सबने कोई ना कोई यूनिक चीज करी है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे तक उसमें शामिल हैं। तो हमने सभी जितने भी कक्षा वर्ग उनके हैं, जितनी भी उनकी आयु वर्ग है, उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। आपके इस प्रतियोगिता में 5 लोगों को जो है अलग से छांटा गया है, जिसमें से 2 रनर अप हैं और 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड किया गया है। तो मैं शुरुआत करूंगी सेकंड रनर अप से। प्रतियोगिता में सेकंड रनर अप रही हैं प्रियंका सेन। प्रियंका सेन जिन्होंने इंग्लिश में अपने बात को लेबर डे पर बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग प्रोसेस के थ्रू समझाया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। उसके बाद फर्स्ट रनर अप रही हैं मूमल कंवर। छोटी सी बच्ची हैं ये और बिना देखे इन्होंने लेबर डे पे अपनी बात को बहुत सुंदर और बहुत शालीन ढंग से रखा है। अब मैं बात करूंगी फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्थान जिन्होंने अंकित किए हैं उनके बारे में। तीसरे स्थान पर रही हैं सारस्वत ने वीडियो के माध्यम से अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है, बहुत जोश दिखाई देता है उनके बोलने में। तो थर्ड नंबर पर रही हैं अक्षरा सारस्वत। सेकंड नंबर पर रही हैं आस्था अग्रवाल। आस्था ने बहुत सुंदर ड्रॉ किया है, बहुत सुंदर पोस्टर के तरीके से अपनी बात समझाई है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो पोस्टर बनाया है उस पोस्टर को भी, जो काम उन्होंने किया है उसको भी वीडियो के माध्यम से भेजा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे फर्स्ट की। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही हैं इशिता अग्रवाल। इशिता अग्रवाल ने बहुत सुंदर पोस्टर बनाया है, उनका थीम बहुत सुंदर है जिसमें उन्होंने एक महिला है जो मजदूर महिला है जो सामान बेच रही है और उस सामान के साथ ही उस जो टोकरी है उसमें उसका बच्चा भी है। किस तरीके से एक महिला, मुझे इसका थीम, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जो उन्होंने ड्राइंग बनाया है वो ड्राइंग भी अपने आप में बहुत सुंदर है। आप सभी विजेताओं को एक बार ढेरों ढेर शुभकामनाएं और फिर से कहूंगी जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है उन्हें भी हम सभी जजों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।